3, 2, 1. Starting with Erangel, now we come in our second map in the map of Vikendi. Hi cute boys, gentlemen, welcome back. Map number 2 here in PUBG Mobile Mahayudh, powered by 73 Esports, hosted by BTY Feroz, Rian and cute boy. Right now I am talking about overall standing. Nade leading the scoreboard, closely chased by 8 Dark. Let's we join here for our map number seconds in the map of Vikendi. This map describe all the leaderboards which teams closely chasing by one each other. Let's swagat karte wapas se ek bar aap sabhi ka 73 Esports ka taraf. My cute boy YD aapke saath jo chuka ho. Hamara PML Mahayudh ka dusra match in the map of Vikendi start ho chuka hai. Kuch hi der mein aapko dekhne ko milega har ek teams ke saath jo wo fights karte hue nazar aayegi. And jaisa ki aap log ko pata hi hoga 35k ka prize pool, aaj wo kaun si teams leke jaane wali hai, let's कुछ ही देर में डिस्क्राइब हो जाएगा, क्योंकि अभी दो और मैचेस खेले जाने वाले इन द मैप ऑफ मिरमल एंड देन एट द लास्ट मैप इरेंगल. लेट्स हमारा प्लेन पाथ बन चुका है एंड हमारा जो प्लेन पाथ बना है वो बैंक ऑफ द रिवर से स्टार्ट हो गया, जो कि डुबरा मैस्टो वीआर के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है. डीनो पार्क के ऊपर से अबूना विने भी के लास्ट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर में फिनिश ऑफ होने वाली है. लेट्स अगर बात करें तो पूरे के पूरे नॉर्थ शिफ्ट करते हुए ये जोन जो फॉर्म हुआ है, लेट्स देखते हैं कौन सी टीम्स किधर जाने के लिए यहाँ पे प्रेफर करेगी. एंड जैसा कि हमने देखा था पिछले मैच में कि काफ़ी टीमें जो थी वहाँ पे एट द सेंटर के लिए एट द लास्ट सिचुएशन में जब हमारा फिफ्थ एंड सिक्स जोन बना था वहाँ पे फाइट्स करते हुए दिखेगी. लेट्स अगर वीकेंडी मैप का बात करें तो यहाँ पे हर आसपास के नाइबर के कंपाउंड्स में हर एक टीम्स इतनी गुपचुप तरीके से आ जाती है कि आपके अपोनेंट्स टीम्स को पता नहीं होता. एंड यहाँ पे जैसे कि कल का हम वीकेंडी मैप देख रहे थे कि हर एक टीम्स किसी और टीम्स के ऊपर चार्ज इन कर रही थी एट द अर्ली स्टेजेस, कोई और टीम्स आके उन्हें थर्ड पार्टी करके फिनिश ऑफ कर रही थी. लेट्स सी क्या उसी तरह का हमें गेम प्ले आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वही सारी टीम्स है आज भी पीएमएल महायुद्ध के इस फाइनल के सेकेंड मुकाबले में आपको फाइट्स करते हुए दिखेगी. सारी टीम्स अपनी ड्रॉप आउट्स की तरफ जा चुकी है. टीम 18 की बात करें जो कि ओयो की लाइनअप ऑलरेडी रिचर्स के ऊपर जा चुके हैं. वहीं पे अगर बात करें डोबरा के पास तो वहां पे दो टीम्स ऑलरेडी यहां पे उतर चुकी है क्वाड की लाइनअप है. यहां पे हमें काफी टीम्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि अगर बात करें तो यहां पे माइस्ट्री की भी टीम्स हमें दिख रही है एंड कोड की लाइनअप ऑलरेडी यहां पे हमारे ऑन स्क्रीन से ड्रैगन हंटर की भी लाइनअप है. वहीं पे अगर बात करें तो फिलहाल हमें यूजन की भी लाइनअप दिख रही है, तो ये आपको देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट्स. काफी कंपाउंड यहां पर आपको मिल जाते हैं, बट यूजन वैनम की लाइनअप पूरी की पूरी यहाँ पे आसपास ही जो अपॉट ली अलग से एक ही कंपाउंड्स में अपनी प्राइमरी लूट के लिए दोनों टीम्स फाइट्स करते हुए कुछ ही देर में दिखने वाली है. बट वहीं पे अगर यूजन की बात करें तो यहाँ पे यूजन के पास अभी फिलहाल अर्ली लूट्स की तरफ फोकस करना होगा. आई थिंक यहाँ पे अभी तक जितने भी मुकाबले हुए थे वहाँ पे यूजन हमें देखने को नहीं मिला था एट द अर्ली टाइम्स फाइट्स करते हुए. बट वहीं पर अगर ड्रैगन हंटर की बात करें तो यहाँ पे ड्रैगन हंटर रेड के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है. एपिबिट की ये पूरी की पूरी जर्नी जो है वो अभी तक तो उतनी अच्छी नहीं रही है. बट हालांकि यहां पे अगर पिछले मैच में बात करें तो थोड़ा सा अपने जो है वो वासोवर एंड्स का जो वो थोड़ा सा इंप्रेशन जरूर जमाने में कामयाब हुए थे, बट अपनी टीम्स के लिए यहां पे इनको फाइट्स करना होगा एंड यहां पे इनके जर्नी को कंटिन्यू रखना होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे यूजन से के साथ इनको फाइट करनी होगी. बट यूजन इस चीज को जानता होगा अर्ली ऑफ द स्टेजेस है, यहां पे अगर उनकी टीम्स अगर कोई भी लॉस सफर करती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाएगी. बट वहीं पर अगर बात करें तो यहां पर टीम जो 12 से 16 है यहां पर नेक्सन दिख रहे हैं हमारे ऑन द स्क्रीन माइस्ट्रियस की लाइनअप. लेट्स सी यहां पे माइस्ट्रियस क्या यहां पे कॉर्ड को वापस स्पॉट करेंगे, कॉर्ड लॉजर इनके सामने. लेट्स यहां पे बीआर की पूरी पूरी लाइनअप धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए नजर आ रही. कॉर्ड लॉजर यहां पे भी नॉप हो चुका है. किंग यहां पे आना चाहेंगे. रोज को अगर बात करें तो फिलहाल एक न्यू चेंजेस हमें देखने को मिला कॉर्ड के लाइनअप. फिलहाल Z360 के साथ यहां पे प्रोन होकर बैठा. लेट्स सी यहां पे कॉर्ड लॉजर फंसते हुए नजर आ रहे क्योंकि अकेले विद थॉमसन. लेट्स यहां पे स्पॉट करने की कोशिश किया जाएगा, बट यहां पे वापस स्प्रे करने की कोशिश, काफी डैमेज दे चुके हैं. यहां पे जो वो अकेले यहां पे स्पॉट किए गए थे यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे. कॉर्ड लूजर यहाँ पे होते हुए अगर यहाँ पे कमबैक आ जाता कि इन कॉर्ड किंग का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है टीम नंबर 16 की मुश्किलें बढ़ सकती थी, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हो काफी डैमेज उन्होंने थॉमसन का कनेक्ट करा था. दो मैच टीममेट्स जो थे बीआर के तो उनको तो लिटरली काफी लो एचपी करा था.
गैल्ट्रोन ऑलरेडी फिनिश ऑफ होते होते रह गया था, बट यहाँ पे कॉर्ड जो है वो कॉल दिए होंगे आई थिंक पहले ही, बट आई थिंक यहाँ पे लूजर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए उनकी टीम्स। अंस थोड़े से अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछले मुकाबले में भी ये टीम सबसे पहले टीम्स होती है जो एलिमिनेट होती है। अंस यहाँ पे यही टीम्स है जो सबसे पहले यहाँ पे अपने मेंबर्स को खोते हैं। अभी भी इनके ऊपर जो है वो काफ़ी प्रेशर होने वाला, पिछले मैच भी इनका काफ़ी अच्छा नहीं गया था, लास्ट वो प्रेशर आई थिंक यहाँ पे अगर इनके ऊपर दिखेगा तो कहीं ना कहीं इनकी गेम प्ले भी यहाँ पे अफेक्टेड होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे कार्ड किंग अकेले बचे हैं, यहाँ पे आई थिंक मास्टर्स लाइनअप से एक किल्स के साथ और पॉजिटिव स्टांस के साथ यहाँ पे चार्जिंग करना चाहिए, बट वहीं पे अगर कार्ड किंग की बात करें तो धीरे धीरे ये टीम्स अब जो है यहाँ से स्किप करते हुए दिखेंगे। लेट्स अगर बात करें तो यहाँ पे हम आ चुके हैं टीम नंबर 12 जो कि ड्रैगन की लाइनअप ऑलरेडी यहाँ पे टीम नंबर 20 के साथ स्पिन ऑफ होने के सिचुएशन थी, बट आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 20 का जिस तरह से स्किप कर रही है आई थिंक उनकी इंगेजमेंट कुछ ही देर में देखने को हंटर के साथ भी मिल सकता है, क्योंकि हंटर ऑलरेडी यहीं पर अपना स्पॉट आउट चूज कर रहा था, यही पे अपनी लूज कंटिन्यू कर रहे थे, बट वहीं पे अगर बात करें तो ठीक राइट साइड ऑफ द एंगल्स पे वहां से तो टीम नंबर 16 से बचने में कामयाब हो चुकी है, बट यहां पे न्यूज़न रेड चल रही। यहाँ पे ये टीम्स भी धीरे धीरे अगर कॉर्ड को स्पॉट कर लेती है तो कहीं ना कहीं कॉर्ड वापस से यहाँ पे फंसते हुए नजर आएगी, बट वहीं पे अगर दूसरी तरफ ध्यान दे तो जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल दोनों तीनों टीम्स जो है वो प्राइमरी लूट की तरफ ही जो वो फोकस कर रहे हैं। लेट्स आपको लेके चलते हैं ज़रिल अंडर के लाइनअप के पास। लाइनअप यहाँ पे जो वो रोटेट करते हुए दिख रही है। आंस आई नो यहाँ पर रोटेशन जो है वो काफ़ी मायने रखने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि जो वीकेंडी का मैप होता है कहीं ना कहीं वीकेंडी का मैप जो वो काफ़ी कुछ आपको जो है वो डिटरमाइन करता है। पुतिन जैन पैक चुअनचर सपोर्ट्स कर रहा है, लेट्स यहाँ पे आपको लेके चलते पैक चुअनचर के पास। आंस लेट्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो पैक चुअनचर जैरी लंटर की पूरी की पूरी लाइनअप, पोगो आयरन हेल्बो एंड पैक 19 के साथ ये लाइनअप टीम 11 के पास आई थिंक हो चुके हैं, बट यहाँ वी एस ब्लास ने डाउन करा है आईबी को। लैट्स आईबी की वाइट स्टार्ट हो चुकी है वीएस के साथ। क्या यहाँ पे वीएस जो पिछले मैच में गलती करी थी उनके टीम्स जो है वो नहीं यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, बट यहाँ पे डार्सलर को जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया। वीएस की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीएस यूसुफ ने हाइडा जैपी अपने डब्ल्यू को डाउन कराया, डार्सलर नो मर्सी जो यहाँ पे नॉक आउट थे, बट यहाँ पे नो मर्सी को जो है वो फिनिश ऑफ कर दिया गया। हंटर जाले गोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हंटर गोस्ट भी दिख रहा है, बस यहाँ पे ये पोजिशन जो है वो काफी कुछ मायने रखने वाला है, बट यहाँ पे डार्सलर की मुश्किल बढ़ सकती है आई थिंक यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। बट पहले किल्स ये टीम्स कंफर्म कर चुके हैं, ठीक इनके सामने आईबी की पूरी लाइनअप है। लेट्स यहाँ पे उनके पीछे एरो की लाइनअप आ चुकी है, अरीना की लाइनअप भी यहाँ पे चार्जिंग करते हुए दिखेगी। अरीना की लाइनअप ने यहाँ पे दो मैंस को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके हैं, एक मैच लगे वीएस के फाइट्स के साथ यहाँ पे इंगेज हो चुके थे वहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पे कॉकटेल का जो कनेक्शन देने की कोशिश कर दिया, बट यहाँ पे दो मैंस के साथ यहाँ पे अरीना जो है वो आगे रसिंग करते हुए नजर आ रही है। वहीं पे एक और टीम है जो वो उनके फोस्टर ओपी को जो है रिवाइव करते हुए देख सकते हैं। तो ये छोटे से कंपाउंड्स में तीन टीम्स ऑलरेडी पिन ऑफ हो चुके हैं, जैसा कि हम देख सकते कुछ थे पहले ही वहां पे तीन टीम्स ऑलरेडी कॉर्ड बोसेस हमें देखने को मिला था, बट वहीं पे अगर यहाँ बात करें यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, बैक टू बैक एक दूसरे के ऊपर रसीन आते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से कंपाउंड्स होल्डिंग होती है नाइबरहुड कंपाउंड्स में हर टीम्स होल्ड करके रखती है, बट यहाँ पे वीएस के पास एक जो है वो यहाँ पे चांसेस मिल जाता है कि यहाँ पे एरो 3 के भी प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, यहाँ पे आईबी के भी प्लेयर्स को स्पॉट कर जाते हैं, बट वहीं पे क्रैश ने एक्सटीएन के प्लेयर्स को डाउन किया। लास्ट यहाँ पे फाइट्स चारों ओर स्टार्ट हो चुके हैं, अर्ली एंगेजमेंट यहाँ पे देखने को काफी मिल रहा है, बट वहीं पे अगर बात करें फिलहाल तो जिस तरह से यहाँ पे एंगेजमेंट में देखने को मिल रहा है बैक टू बैक फायर, यहाँ पर नेक्सन कॉर्ड रॉज को यहाँ पे फिनिश ऑफ करा, कॉर्ड किंग को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करा। एंस यहाँ पे एक टीम जो होती है कॉर्ड की पूरी लाइनअप यहाँ पे जो वो एलिमिनेट हो जाती है। एंस यहाँ पे वीएस ब्लास ने स्पॉट कर एआर की प्लेयर्स को, लास्ट यहाँ पे एक प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुका है। लास्ट फूज स्टेयर को भी यहाँ पे डाउन किया गया, ZT3 का यहाँ पे प्यारे से स्प्रे लेट्स इन द कवर आ चुका है। क्या यहाँ पे वीएस की लाइनअप चार्जिंग करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर बात करें AR3 की लाइनअप जो वो वीएस के साथ भेजते हुए नजर आ चुकी है। एंस यहाँ पे एक और टीम थी जो आई थिंक यहाँ पे उन्हें तो फिनिश ऑफ कर दिया गया, बट यहाँ पे ब्लास डैजलर यूसुफ यहाँ पे चार्जिंग करते हुए दिखेंगे। आंस वहीं पे एरो 3 या डिस्पोजल की बात करें तो वो आई थिंक यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। ऑलरेडी डार्सल को यहाँ पे स्पॉट किया गया, लास्ट यहाँ पे कनेक्ट कराया, 20% ऑफ डैमेज यहाँ पे बचे। लेट्स सी क्या यहाँ पे इन्हें एक और कनेक्शन आ जाता है, बट यहाँ पे यूसुफ आ चुका है। लास्ट यहाँ पे डिस्पोजल को जो वो नॉक ऑलरेडी काफी पहले से, बट यूसुफ को यहाँ पे कनेक्ट किया गया। ऑप्टिमम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। लास्ट यहाँ पे हीलअप करने की कोशिश AR3 पुष्टि ओपे के द्वारा, लास्ट यहाँ पे यूजी का कनेक्शन आते हुए। आंस यहाँ पे आई थिंक डार्सल जो वो डिस्पोजल को फिनिश ऑफ करेंगे। लास्ट डार्सल आ चुके हैं यहाँ पे रेसिंग करना चाहते हैं, ऑप्टिमम यहाँ पे बचे हुए हैं। लेट्स फुल से ओपी काफी लो एचपी है दोनों तरफ से, यहाँ पे पुश नहीं आएगा। ब्लेजर को यहाँ पे डाउन किया गया, लेट्स AR3 को यहाँ पे डाउन किया गया, लेट्स यूजी का स्प्रे करते हुए एंस वापस से यहाँ पे वीएस की लाइनअप जो है वो एरो की लाइनअप को यहाँ पे फिनिश ऑफ करा।
बैक टू बैक हमें फाइट देखने को मिला इस प्यारे से विकेंडी के मैप, इतना रूथलेस हो जाता है, इतना एग्रेशन भरा ये मैप होता है कि हर टीम से एक दूसरे के ऊपर चार्ज इन करते नजर आ रही है। एक फाइट्स खत्म हुई नहीं कि यहाँ पे आईबी की लाइनअप भी आते हुए दिख रहे हैं। लास्ट यहाँ पे आई थिंक ये जो लाइनअप है टीम नंबर 12 ड्रैगन थंडर की लाइनअप है, स्पॉट्स करना चाहते थे। फैनेटिक ने यहाँ पे ओयो को स्पॉट करा, ओयो की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फैनेटिक जिस तरह से यहाँ पे चार्ज इन करते हुए नजर आ रही है ओयो के लाइनअप के तरह, एंड ओयो के मलिक को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया। ऑलरेडी अगर बुमबैम सिंह की बात तो बुमबैंग जिंग टीम नंबर 4 लेट्स ओक्टाइका की लाइनअप है। यहां पे दो किल्स कंफर्म करा है फैनेटिक ने, यहां पे एक किल्स निकाले थे अपने टीम्स के लिए, बट वहीं पे बुमबैंग जिंग अभी खुद को जो है वो प्रूफ करने में अभी तक नाकामयाब रहा है। लेट्स इनके पास काफी अच्छा गन पावर है, आई थिंक यहां पे इनके गन पावर जो है इनके टीम्स के लिए जो है वो फायदेमंद रहेगा। फैनेटिक ने यहां पे दो किल्स निकाले, आई थिंक वो दो किल्स किसके अगेंस्ट थे ये देखना काफी लाजमी होगा, बट यहां पे दो ही प्लेयर्स आई थिंक थे, उन्हें दोनों प्लेयर्स को यहां पे स्पॉट किया गया, आई थिंक यहां पे फिनिश करा गया। तो यहां पे अगर बात करें ओक्टाइका के लिए ये गेम प्ले अच्छा जाता हुआ पिछले मुकाबले की बात करें इरेंगल्स के मैप में भी ये टीम्स काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए दिखी थी। लेट्स यहाँ पे भी उसी तरह का गेम प्ले में देखते हुए वापस से ओयो की लाइनअप की बात करें तो ओयो की लाइनअप वापस से यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। अर्ली स्टेज में अपने मैंस को खोना कहीं ना कहीं आपके टीम्स के जो पॉजिटिव स्टांस है उनको भी यहाँ पे जो वो कहीं ना कहीं कम करता है। वापस से बीटीसी को डाउन किया गया, लेट्स यहाँ पे ओक्टा जो वो बीटीसी को जो वो माफ करने के मूड में नहीं लग रहा है। लेट्स एक और टीम का क्या हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, बट वहीं पे अगर बात करें तो यहां पे टीम नंबर 9 जो ऑलरेडी एलिमिनेट हुई थी AR3 के द्वारा, AR3 को एलिमिनेट किया गया वो VS के द्वारा। लेट्स बैक टू बैक फायर स्टार्ट हो चुका है। XTN की लाइनअप की बात करें तो XTN के गौरव वाइट अकेले बचे हैं, मुश्किलात की सिचुएशन इनके भी ऊपर जो वो लटकते हुए दिख रही है, बट वहीं पे यूजन की बात करें तो यूजन की टीम्स भी यहां पे मुश्किल में फंस सकती है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने दो मेंबर्स को खो चुका है। लेट्स अगर बात करें टीम 7 की तो ऑलरेडी टीम 7 जो वो यहां पे वाइपर ने यहां पे डॉन्क डाउन किया है। वीआर डिवाइन ओपन एक्शन लगातार इन फाइट्स जो वो हमें दिख रहा है। नेफेरियस की लाइनअप जो वो थोड़ी सी मुश्किल में आ चुकी है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने दो मेंबर्स को खो चुका है। ठीक इनके सामने टीम नंबर 16 जो कि माइस्टेरियस की लाइनअप पर लगातार किल्स जो वो करते जा रहे हैं, बैक टू बैक फायर में देखने को मिल रहा है। बट यहां पे जिस तरह टीम नंबर 16 के दो प्लेयर्स यहां पे डाउन हो चुका है, लेट्स यहां पे क्या है, यहां पे रिवाइव तो मिल जाएगा, आई थिंक आउट ऑफ द जोन है, इन द जोन में जाने की कोशिश। सेवन यहां पे काफी आगे आ चुका है, डी सेवन के पास एक स्टॉन का कवर, लेट्स सी यहां पे जो है वो स्मोक करके इन द जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स यहां पे बीआर का कनेक्शन कर रहा है, एक और नेट एक्शन को डाउन करते हुए, लेट्स सी यहां पे दो मैच काफी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट करते हुए अपने प्लान्स के ऊपर काम करते हुए। बट वहीं पे अगर बात करें एआर जो खुद को हील अप करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोनो के यहां पे शॉट्स लेने की कोशिश, बट यहां पे रिच ऑफ द ग्राउंड पे टीम नंबर 16 यहाँ पे वेट कर रही है। आई थिंक यहाँ पे नेक्शन को वापस से रिवाइव मिल जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे M10 ने अपनी एंगेजमेंट चार्ज करा और एक टीम को फिनिश ऑफ करा। आई थिंक यहाँ पे M10 जो है वो अपने स्टांस जो है वो क्लियरली दिखा चुकी है, एंड आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 2 को जो है वो खत्म करने में आई थिंक ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके तीन मेंबर्स को इन्होंने नॉक एंड फिनिश ऑफ करा। अल्बो अकेले बचे हैं, लेट्स यहाँ पे जैरी लंटर की जो मुश्किल है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। हालांकि इसके पास 1 किल्स जरूर है टीम्स के पास, आई थिंक यहाँ पे अल्बो जो वो स्किप करना चाहेंगे, पीछे से शॉट्स आते हुए लगातार शॉट्स यहां पे जो वो इतना आसानी से बच के नहीं देना चाहेगी। वहीं पे अगर बात करें तो अल्बॉय की लाइनअप जो कि जहरी लंटर ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाती है, बैक टू बैक इतना स्टांसेस हमें देखने को मिलता है, एक्शन से भरपूर ये वीकेंडी का मैप जो है लगातार एक दूसरे के साथ जो एंगेजमेंट शो करते हुए, हर टीम्स किसी को माफ करने वाली नहीं है, इतना खतरनाक ये मैच होने वाला है। लेट्स सी अभी तक अगर बात करें तो इरेंगल्स का मैप था तो यहां पे 18-16 टीम है जो वो रोटेट करते हुए दिखती थी, बट यहाँ पे टीम नंबर 17 ऑलरेडी आ चुके हैं। बैक टू बैक हर जगह आपको फाइट्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स यहाँ पे टीम नंबर 17 जो कि ऑलरेडी स्प्लिटेड फॉर्म में जो है वो डार्क की लाइनअप है, आई थिंक यहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं है फिलहाल, आई थिंक ये स्किप करना चाहेगी बिकॉज आई थिंक ये टीम्स अभी रोटेशन में ही ज्यादा फोकस करने वाले, बट जिस तरह से इनका रोटेशन जा रहा है आई थिंक इनके सामने जो है टीम यूजन भी काफी जल्द आने वाली है। लेट्स अगर यूजन की बात करें दो मैच के साथ ये टीम्स काफी डिफेंसिव मोड में चली गई ऑलरेडी, अगर बात करें तो ये टीम्स जो वो अपने होल्डिंग पोजीशन से ही फाइट करना प्रेफर कर रही है, बट इनके सामने नाइट किंग की लाइन, अब आई थिंक यहाँ पे नाइट को स्पॉट किया गया। लेट्स नाइट भी यहाँ पे सचेत हो चुका है क्योंकि इनके ऊपर भी G360 की जो बुलेट का स्प्रे आता हुआ। लेट्स यहाँ पे अगर बात करें पूरी की पूरी लाइनअप आई थिंक जानती है प्रेसिस इनके ऊपर भी होने वाले क्योंकि लीडर बोर्ड को अभी फिलहाल ये टीम जो है वो जरूर
लीड करते हुए दिख रही है। काफी खूबसूरत मैच रहा था इस टीम्स का। इरांगल का मैप में चिकन डिनर निकाल के यहाँ पे एक और बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश किया जा रहा है। 3v1 के फॉर्मेशन इनके हैं जो कि थ्री मैंस ऑलरेडी इन अ कंपाउंड्स को होल्ड कर रहे हैं। एक प्लेयर्स इनके जो कि बोल्ट है वो काफी अलग एंगल से जो वो अपनी टीम्स को प्रोटेक्टिव कवर फायर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर इस सिचुएशन में आपके सोलो प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टिव फायर करने के मोड में रहते हैं अगर वो कहीं स्पॉटेड हो जाते हैं किसी और टीम्स के लिए तो कहीं ना कहीं ऑफेंस और ग्राउंड्स होता है, वहां से आपके टीम्स को रिवाइव कर पाना और वापस से रिज्वाइन करवाना अपने ग्रुप में काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यूजन की अगर बात करें तो यूजन इग्नी जो फिलहाल तो काफी डिपेंडिंग मूड में खेल रहा है। बुंगबैंग जिंग की बात करें तो ये टीम्स जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा फाइट्स करते हुए नजर आ रही है। ऑक्टा ईगा की लाइनअप प्लस वीएस की लाइनअप की बात करें तो ऑलरेडी ये टीम्स भी चैकल्स तो निकाल चुकी है एरो के साथ। इनकी एंगेजमेंट वहां पर टीम नंबर 9 के भी दो प्लेयर्स को स्पॉट करे थे, उनको भी फिनिश करे। यहाँ पे M10 की बात करें तो M10 के भी खाते में 4 किल्स आ चुके हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस M10 का देखने को मिल रहा है। बट वहीं पे अगर टीम 7 की बात करें ऑलरेडी नफेरियस की लाइनअप यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। आई थिंक काफी डिफिकल्ट होने वाला ये वाला मैप। अगर नेट की बात करें तो वापस से उनकी प्री पोजिशनिंग प्री लोकेशन अपने एक्वायर्ड करके बैठे। आई थिंक इनकी स्ट्रैटेजी जो वो बिल्कुल पिछले मैच से रिलेटेड है। बट वहीं पे अगर क्रैश की लाइनअप की बात करें ये टीम से पिछले मुकाबले में काफ़ी अर्ली एग्जिट ले ली थी। रैंगल का मैप था इनके फेवर में नहीं बना था, अर्ली फाइट्स इन्होंने स्टार्ट करा। हाँ अर्ली एंगेजमेंट में पूरी की पूरी टीम से एलिमिनेट हो जाती है। अर्ली एग्जिट यहाँ पे जरूर एक अच्छा गेम प्ले निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में ये टीम्स अर्ली एग्जिट ली थी तो उनका प्रेशर भी इस टीम्स के ऊपर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से लीडर बोर्ड में पॉइंट्स टेबल मायने रखने वाले हैं तो एक एक पॉइंट्स के लिए ये टीम सभी फाइट्स करते हुए नजर आएगी। स्टार्टिंग काफी अच्छा मिल चुका है, 3 किल्स ऑलरेडी इस टीम्स के खाते में आ चुका है। लेट्स सी किस तरह से अपने फाइट्स को ये कंटिन्यू करेंगे। क्रैश प्राइड की बात करें तो एक टीम्स जो है एक किल्स जो वो निकाल चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पे कुछ कुछ अर्ली लूट्स जो होते हैं कुछ कुछ बेसिक लूट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बट वहीं पे अगर बात करें टीम नंबर 11 की तो ऑलरेडी टीम नंबर 11 यूजन की लाइनअप काफी जो वो डिफेंसिव मोड में चली गई है। वहीं पे अगर टीम नंबर 12 की बात करें ड्रैगन हंटर की लाइनअप इनके खाते में कोई भी किल्स नहीं है। बट आई थिंक ये टीम्स यहाँ पे तो स्पॉट नहीं होगी किसी भी टीम से आसानी हो, थोड़े से चेंजेस इस टीम्स में जरूर है। लेट्स सी यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी टीम्स इतने आसानी से किसी और टीम्स को स्पॉट नहीं होने देने वाली है। वहीं पर अगर हंटर की बात करें तो फिलहाल हंटर की लाइनअप यहाँ पे जरूर हमें दिख रही है। आई थिंक ये टीम नंबर 13 है आंसर, टीम नंबर 13 जो कि ओकेन सेल्ड की लाइनअप है। हंटर के नाम से जरूर ये टीम्स मेट्स इनके जरूर है। लेट्स सी यहाँ पे ओकेन सेल्ड की लाइनअप एक अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हुए जरूर नजर आ रही है। ठीक इनके सामने ड्रॉप आ चुका है। ड्रॉप्स की अगर बात करें तो फिलहाल ड्रॉप्स में QBS लेवल 3 बैकपैक लेवल 3 आर्मर लेवल 3 हेलमेट एंड लेट्स सी यहाँ पे इनके लिए थोड़े से चांसेस लेने होंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टीम 90 की बात करें तो यहाँ पे टीम नंबर 19 ने यहाँ पे निकी को स्पॉट करा है। टीम नंबर 12 से यहाँ पे जो वो चार्जिंग करते हुए दिख रही थी बट आई थिंक यहाँ पे वैनम जो है वो काफी पीछे आ चुके थे। रेड को यहाँ पे डाउन किया गया। ठीक इनके सामने क्रैश की लाइनअप है, अभी को डाउन किया गया, पीके को डाउन किया गया, रिवाइव किए जा रहे खुद के ही व्हीकल्स के कवर पे। बट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे तीन टीम्स आई थिंक काफी जल्द एक दूसरे के साथ फाइट्स करते हुए दिखेगी। रेड को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए आएंगे, लेट्स सी यहाँ पे रेड को भी रिवाइव मिल जाएगा। बट यहाँ पे ओयो ने रिवेंज को डाउन करा है तो ओयो भी अपनी इंटेंशन साफ कर दिया। हालांकि दो मेंबर्स उनके जरूर खो चुके बट आई थिंक यहाँ पे रिवेंज को फिनिश अप कर दिया जाएगा। बट पीछे से टीम नंबर 8 स्पाइक्स को जरूर देख रही है। फंड बुक की बात करें तो स्प्राइक गॉड को वहां पे नॉक डाउन किया है तो लेट्स सी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी टीम्स यहाँ इतनी आसानी से किसी और टीम्स को बच के जाने देने नहीं चाहती है। बट यहाँ पे टीम नंबर 19 ऑलरेडी टीम नंबर 12 के ऊपर स्कॉपिंग खोल के बैठी हुई है। लेट्स अगर कोई भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए उन्हें पनिश करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी वो पनिश करने के मूड में दिख रहे हैं। माइस्टीरियस की लाइनअप की बात करें तो ऑलरेडी माइस्टीरियस की लाइनअप के पास ही हम थे बट यहाँ पे डार्क थोड़े से मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे क्योंकि ऑलरेडी स्प्रेक गॉड को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है। ठीक ऊपर की और बात करें रिसर्च ऑफ द ग्राउंड पर टीम नंबर 11 काफी खूबसूरती के साथ होल्ड कर रहे हैं टू मैन के साथ। उन्हें भी पता है कि अभी भी फाइट्स काफी लंबा जाने वाला है, अभी भी 15 टीम्स जो है वो बची हुई उनके 46 मेंबर्स फाइट करने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर ऑरा की इलेस की बात करें तो फिलहाल इस टीम्स के पास 3 स्किल्स जरूर है। फाइनेटी की बात करें 2 किल्स अपनी टीम्स के लिए निकाले थे।
बाद गोल्डी की बात करें तो उनके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। एक अच्छा गेम प्ले अगर ये टीम्स निकाल लेती है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे लीडर बोर्ड में कम बैक करने के लिए आसानी होगी। फिलहाल एक ही गेम हुआ था, अभी भी इस गेम के ऊपर जो है वो काफी कुछ डिपेंड करने वाला है, काफी टीम्स का पोजिशनिंग होने वाला है, क्योंकि दो गेम्स जब आपके हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लीडर बोर्ड होता है वो क्लियरली आपको बता रहा होता है कि किस तरह से आपके गेम्स जो वो होने वाले हैं। लेट्स अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरह से हमारा गेम चल रहा है आई थिंक ये गेम इसी तरह से चलता रहेगा। बैक टू बैक में इनकाउंटर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे टीम नंबर 19 फिलहाल काफी खामोश है। ठीक, इनके पीछे हंटर की लाइनअप है, आई थिंक ऑकेन सिल्ड की लाइनअप है। लेट्स यहाँ पे इनके पास एक काफी खूबसूरत सा ग्राउंड है, आसपास में ही सारी टीम्स यहाँ पे जो वो रोटेट करते हुए दिखेगी। एंड एक बार जोन की बात करें तो ऑलरेडी जोन जो है वो साउथर्न बैंक की तरफ बनी है, हाफ ऑफ द जोन इन द वाटर, हाफ ऑफ द जोन के लिए पूरी टीम्स फाइट करने वाली है। लेट्स अगर जोन की बात करें तो हमारा थर्ड जोन जो वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, फोर्थ जोन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हमारा ये ब्लू जोन जो है वो व्हाइट लाइन को टच करेगा वैसे ही हमारा फोर्थ जोन भी बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर टीम्स XTN की बात करें तो XTN काफ़ी मुश्किल में हमें दिख रही है। आउट ऑफ द जोन ये प्लेयर्स यहाँ पे आई थिंक रोटेट करते हुए हमें दिखे, बट आई थिंक गौरव वाईटी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है, क्योंकि XTN ऑलरेडी अगर बात करें तो अपने प्लेसमेंट के हिसाब से हैशटैग 3 पे ये टीम जो है वो इरेंगल का मैप फिनिश अप करी थी, बट यहाँ पे अगर अपनी पोजीशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर इस मैच में भी एक बेटर पोजीशंस में जाने होंगे। जब तक नहीं ये टीम्स अगर हैशटैग 5 पे फिनिश अप करती है, हालांकि वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि गौरव वाईटी अकेले बचान से सोलो प्लेयर्स के लिए इतना आसान होने वाला नहीं, बट ये भी नहीं कि नामुमकिन है। हर एक प्लेयर्स इतने कैपेबल होते इस तरह के टूर्नामेंट में कि वहाँ पे आप एक अद्भुत काम करते हुए नजर आओगे, एक अद्भुत परफॉर्मेंस भी देते हुए नजर आएंगे। लेट्स आपको लेके चलते हैं जीरो आईक्यू के लाइनअप की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी जीरो आईक्यू के लाइनअप की बात करें तो यहां पे फुल मैन यहां पे फुल फ्लेज में खेलते हुए नजर आ रही है। कोई भी यहां पे डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी लॉस नहीं हुआ। लाइक अगर किल्स की बात करें तो अभी किल्स के जो प्लेटफॉर्म इनके हैं, किल्स के जो खाते वो बिल्कुल भी खाली पर है, बट अभी भी गेम काफी आगे, इन्हें भी पता है कि अभी आगे के टाइम्स में हमें काफी फाइट्स देखने को मिलेगा। बट जिस तरह से इनका जीरो आईक्यू रोटेशन हो रहा है, वीएस की लाइनअप भी इनके आगे रोटेट कर, आई थिंक अगर वीएस की लाइनअप अगर इन्हें स्पॉट कर लेती है तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के बीच हमें काउंटर स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अभी जीरो आईक्यू 4 पे प्रो की बात करें तो यहां पे एक छोटे से सेल्ड में ये जो है वो वेट करना चाहेंगे, बट आई थिंक जोन का सिपमेंट आ रहा है, कॉल आया होगा अपने टीममेट्स के, एंड आई थिंक यहां पे इन द जोन मूव करने का जो है वो जारी है। लेट्स अगर बात करते हैं अभी भी काफ़ी गेम प्ले जो बचा है, बीएस के लाइनअप के पास हम आ चुके हैं। डैजलर यहाँ पे जो वो एक किल्स जरूर निकाले अपने टीम्स के लिए, बट वहीं पे अगर बात करें M10 के लाइनअप के तो ऑलरेडी M10 की लाइनअप 4 किल्स के साथ काफ़ी प्यारा गेम प्ले स्टार्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें नेड की तो नेड के ऊपर जो वो अभी काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। अगर ये मैच नेड की लाइनअप अगर हैशटैग 5 में भी निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं ये टीम्स लीडर बोर्ड को जो है वो एक पोजीशंस देने में कामयाब हो जाएगी, एंड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इनका पोजीशनिंग। हालांकि काफ़ी अच्छे किल्स निकाले थे पिछले मैच में भी, एंड जिस तरह से आप एक चिकन डिनर ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी होती है बाकी के टीम्स में वो काफ़ी हाई होती है। एंड ये चीज़ हमें देखने को मिलता भी है कि नेड की लाइनअप से जो है वो उनके जो सपोर्टर्स है वो भी उम्मीद रखते होंगे। अगर कल की गेम प्ले की बात करें तो कल भी जिस तरह से ये टीम्स कंसिस्टेंसी दिखा रही है तो कहीं ना कहीं ये टीम्स के पास वो पावर पैकेज है जो कि हमारे 35K के प्राइस पुल के लिए एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। डार्क की लाइनअप की बात करें तो फिलहाल डार्क की लाइनअप भी यहां पे जो वो एक पोजीशन पे होल्ड कर रही है। ठीक, इनके सामने जो टीम नंबर 16 के प्लेयर्स है ऑलरेडी यहां पे पहले मेंबर को नॉक डाउन किया जा चुका है। डार्क रिवेंज यहां पे जो वो फिनिश अप हो जाएंगे, तो यहां पे अगर आप अपने टीममेट्स को छोड़ के एग्रेशन दिखाते हो, कोई बैकअप नहीं रहता है, तो सामने वाली टीम्स आपको माफ़ करने वालों में से नहीं है। वो भी माइस्ट्री की लाइनअप जो कि ऑलरेडी किल्स के मामले में जो वो काफ़ी आगे निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो फाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैक टू बैक। बीआर रिची जो वो एक किल्स कर चुके हैं, हालांकि रिची को डाउन किया गया था, बट नो टेंशन, यहाँ पे वापस से रिवाइव हो जाएंगे। काफ़ी खूबसूरती का कवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड एक बात, विकेंडी का मैप जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही रूथलेस एंड कहते हैं ना हर्टलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी टीम से माफ करने वाले में से नहीं है। बट यहाँ पे टीम नंबर 4 एक उनके एक टीम में जो वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो वो नेड का कनेक्शन करने की कोशिश स्पिन ऑफ किया जा रहा है। लाइक ये पॉप अप करके अगर ये नेड कनेक्ट करता है तो आई थिंक यूजन जो वो रिचर्स ऑफ द ग्राउंड है, आई थिंक अगर उनके रिचर्स ऑफ द ग्राउंड से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आउट ऑफ द जोन है, जैसे ही जोन आएगा आई थिंक यहाँ से यूजन
इग्निटी जो वो जरूर इन द जोन में जाना चाहेंगे। फिलहाल मेडिकेट का यूज किया जा रहा है क्योंकि जोन का डैमेज आपको काफी मिलने वाला है। रेडी सिक्स जोन जो है वो सिप कर चुका है, बट यहाँ पे फनबुक ने फैनेटिक को डाउन करा। लेट्स क्या यहाँ पे फैनेटिक को बचा पाएंगे, बट यहाँ पे आई थिंक बूम बैम जिंग की बात करें तो फैनेटिक को दो जो है वो किल्स मिले थे। आई थिंक इन्हें रिवाइव कर पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जोन का डैमेज मिलते हुए एक और टीम्स को यहाँ पे खत्म किया है। एंड आई थिंक फैनेटिक को इन्होंने जरूर खोया, एंड जिस तरह से इन्होंने फैनेटिक को खोया आने वाले टाइम में इनको फैनेटिक का लो जरूर देखने को मिलेगा। ऑक्टाइका की लाइनअप है 5 किल्स कंफर्म कर लिया। लेट्स देखते हैं ये टीम्स इन द जोन जा पाती है कि नहीं। क्रैश की लाइनअप की बात करें तो पूरी की पूरी लाइनअप 3 किल्स के साथ अभी भी जो वो सुरक्षित है। वहीं पर अगर जीरो आई क्यू की लाइनअप की बात करें तो लेट्स काफ़ी देर से हम जीरो आई क्यू की तरफ नहीं गया। लेट्स जीरो आई क्यू की लाइनअप की बात करें तो वजीद यहाँ पे जो वो फिलहाल काफ़ी अच्छा फाइट समय VS के द्वारा देखने को मिला। यूसुफ ने यहाँ पे 5 किल्स सिक्योर कर लिया। जीरो आई क्यू की लाइनअप जब वो फाइट्स करते हुए नजर आ रही है टीम नंबर 6 के द्वारा। वहीं पे टीम नंबर 6 की बात करें जो कि ऑलरेडी M10 की लाइनअप पे 4 किल सिक्योर कर चुका है। ये टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट्स करने वाले। लास्ट कौन सी टीम्स यहाँ से विजय बन के निकलती है ये कहना मुश्किल है। दोनों कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड को होल्ड करे, बट वहीं पे M10 वैसी की बात करें तो काफी अलग एंगल्स लेके बैठा है। गॉड भी काफी अलग एंगल्स लेके बैठा है, प्रोन कर रहे हैं। आई थिंक यह फ्लैंक करके अगर कोई प्लेयर्स M10 के आते तो कहीं ना कहीं उन्हें स्पॉट करने की कोशिश की जाएगी। 3 प्लेयर्स एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। 1 प्लेयर जो M10 का वो मैसेज जो वो काफी अलग है। लेट्स सी यहाँ पे देखना होगा, दोनों की स्ट्रेटजी साफ है, बट यहाँ पे M10 की फेवर में एक चीज नहीं है, वो ये है कि मैन एडवांटेज इस टीम्स के पास नहीं है। 4v2 का सिचुएशन है, एंड आई थिंक यहाँ पे जीरो गॉड को भी सोचना होगा कि गॉड अगर इस चीज को भाप लेते कि सामने वाले काउंटर जो टीम्स हैं उनके मेंबर्स 2 ही है तो कहीं ना कहीं काफ़ी आसानी होगा। बट वहीं पे फार्म और राहुल की बात करें तो फिलहाल ये टीम्स काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। ओयो की लाइनअप जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, पिछले इस पूरे PML महायुद्ध की बात करें तो ओयो की लाइनअप जो वो काफ़ी ऑफ गार्ड नजर आती है। VS यूजर अब्लास को यहाँ पे डाउन किया गया। ये टीम्स 8 किल्स के साथ काफ़ी खूबसूरती के साथ अपना गेम प्ले स्टार्ट करा, बट यहाँ पे ब्लास को जो वो भी खो देंगे क्योंकि यूसुफ के आने में काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी डैमेज भी दे चुका था। बट वहीं पर अगर बात माइस्ट्री की लाइनअप के पास तो माइस्ट्री की लाइनअप के पास भी एक एंगल से आई थिंक यहां से जो स्पॉट करना चाहेंगे। आउट ऑफ द जोन की बात करें तो अभी ज्यादा टीम्स तो आउट ऑफ द जोन नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें टीम 10 के बारे में सोचना होगा। क्रैश की लाइनअप, नेट की लाइनअप को इन द जोन जाना होगा। ऑलरेडी अगर बात करें टीम नंबर 12 जो कि काफी एक अच्छे स्पॉट पर, ड्रैगन हंटर की लाइनअप अगर यहां पर स्पॉट कर लेती है टीम एंड नेट को तो कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ा सकती है। वहीं पर अगर बात करें तो यहां पर टीम नंबर 13 जो वो ऑक्टासिल्ड की लाइनअप, सॉरी ऑकेन सेल की लाइनअप इन द जोन में जाना स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 19 के 2 प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे चार्ली को डाउन किया गया है। टीम नंबर 16 का यहाँ पे आ चुका है प्यारा सा रसीन, एंड आई होप यहाँ पे काउंटर वर्सेस काउंटर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे चार्ली को डाउन हो चुका है। नेक्शन यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है। VFC अली यहाँ पे अकेले मैन बचे, 2v1 का सिचुएशन आ चुका है। काफी लो HP है, 10% ऑफ डैमेज बताया। नेक्शन यहाँ पे जो है वो एग्रेशन दिखाते हैं, उन्हें मालूम है काफी लो HP है। लेट्स यहाँ पे जो वो क्लोज इनकाउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। लास्ट में खुद को हील अप करेंगे, बट यहाँ पे अगर ऑकेन को यहाँ पे जो BFC अली को स्पॉट किया जाता है वापस है, यहाँ पे टीम नंबर 19 का सफर क्लोज किया जाता है। नेक्शन जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, पूरी की पूरी टीम्स उनके ऊपर डिपेंडेंस थी। एम्स जिस तरह से एग्रेशन था उन्हें पता था काफी लो HP है। लेट्स वहाँ पे सर्च इन करके उन्हें फिनिश ऑफ करा। नौफिया फिल्टर की बात करें, 0 किल्स के साथ ये टीम्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 0 IQ की लाइन अब लेट्स यहाँ पे प्रोन हो चुके हैं। एट द सेंटर ऑफ द जोन के तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि एट द एजेस ऑफ द जोन से यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। ठीक है, इनके सामने M10 के मिनी रोपी। लेट्स यहाँ पे क्या मिनी रोपी के ऊपर कनेक्शन आते हैं, मॉकटेल के यहाँ पे कनेक्शन कनेक्ट जरूर करता। लेट्स सही टाइम पे खुद को जो वो बैक ऑफ करे। लेट्स यहाँ पे ये इनकाउंटर में देखते मिलेगा। फिलहाल कुछ देर और ये इनकाउंटर चलेगा। 9 teams 28 मेंबर्स एक दूसरे के साथ फाइट्स करेंगे। VS की लाइनअप की बात करें, 2 मैन के साथ ये टीम्स 8 किल्स को कंफर्म करने में कामयाबी हासिल जरूर किया। बट आई थिंक यहाँ पे इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि दोनों तरफ से इनके ऊपर शॉट्स आने की कोशिश स्टार्ट हो चुकी है। 4v2 का सिचुएशन है। टीम नंबर 16 वापस से यहाँ पे क्लोज इन करे। यूसुफ यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ जो वेट किया जा रहा है, अगर स्पॉट करते टीम नंबर 16 के किसी भी प्लेयर्स को तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। लेट्स अगर बात करें यूसुफ यहाँ पे एक एंगल्स को होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे AKM का प्यारा सा कॉम्बो से स्प्रे करने की जरूर कोशिश की जाएगी, बट दोनों तरफ से यहाँ पे जो वो फुटप्रिंट्स लिया जा रहा है। लेट्स यहाँ पे 9 किल्स जो ये टीम में अब फाइट स्टार्ट हो चुका है। VR को यहाँ पे डाउन किया गया। आई थिंक यहाँ पे मेगा की बात करें तो मेगा ऑलरेडी यहाँ पे डाउन हो चुका है, बट यहाँ पे यूसुफ 1 Man Army की तरफ फाइट्स करते हुए नजर आए। क्या 1v4 का सिचुएशन यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेट्स यहाँ पे VS ने आज सबसे यूसुफ ने एक और नॉक निकाल चुका है। 2v1 का सिचुएशन आ चुका है। लेट्स यहाँ पे VS
ने, जो वरची को भी फिनिश ऑफ करा है। एक और स्किल सबने टीम्स के लिए कंफर्म करे, एक एक टीम्स के लिए ये टीम्स फाइट करते हुए नजर आएंगे। मेगा को यहाँ पे वापस से जो वो फिनिश करने की कोशिश किया जा रहा है। लेट्स अगर बात करें नेक्शन की, तो नेक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। लेट्स यहाँ पे नेक्शन क्या रिवाइव कर पाएंगे। लेट्स यहाँ पे वापस एक नेड का कनेक्शन लाइफ टाइम पे यहाँ पे नेड का कनेक्शन जाते हो, बट वहीं पर अगर बात करें टीम नंबर वीएस की, तो बट यहाँ पे जिस तरह से 1v4 का सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, आई थिंक यहाँ पे वीएस को जो वो लास्ट टाइम नेक्शन ने फिनिश करा, यूजी का प्यारे से स्प्रे दिया, बट हालांकि इस फिनिश ऑफ में इन्होंने अपने दो टीममेट्स को खो चुके हैं। लेट्स यहाँ पे दो टीममेट्स को खोना आई थिंक यहाँ पे काफी कुछ जो है वो प्रभाव डालेगा। बट यहाँ पे जिस तरह से यूसुफ जो वो 1v4 के सिचुएशन में दो मैंस को यहाँ पे दो किल्स निकालने में कामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो खुश होंगे। हालांकि अगर बात करें यहाँ पे M10 पे, तो यहाँ पे M10 जो है वो एप्रो को जो है वो फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। बैक ऑफ जो है वो फायर आ चुका है, बट यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा मैसी को। आई थिंक यहाँ पे जीरो IQ के एक मलेट जरूर नॉक डाउन हो चुके थे, बट जिस तरह से इनका बैकअप कवर आते हुए यहाँ पे दिखा, वजीद यहाँ पे जरूर रिवाइव करेंगे। अभी भी 16-15 मैम्बर्स एक दूसरे के साथ फाइट्स करेंगे, बट एट द एजेस ऑफ द जोन पे ऑलरेडी नेड की लाइनअप यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ जो वो अपने पोजीशंस के लिए जो वो फाइट्स करते हुए नजर आएगी। लेट्स अगर बात करें फिलहाल, तो जिस तरह से हमें ये गेम चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो आई थिंक इसी तरह से ये टीम्स जो है वो जरूर दिखेगा। लेट्स अगर बात करें तो फाइट्स ऑलरेडी इसी तरह ऑन रहेगा, 6 टीम्स अभी भी जो एक दूसरे के साथ फाइट करेगी, 15 मेंबर्स जो है वो फाइट्स करने वाले। बट वहीं पे अगर टीम नंबर 12 की बात करें, रेड की लाइनअप यहाँ पे जो वो काफी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। ड्रैगन सेंटर के पास एक मौका जरूर है यहाँ पे चिकन निकालने का, बट आई थिंक अगर अभी भी बात करें तो कोई भी टीम्स यहाँ पे किस और गेम को मूव करवाएगी ये कहना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर बात करें टीम 3 की, तो ऑलरेडी ये टीम्स के पास भी अगर एडवांटेज पोजीशंस जो मैन पावर का होता है वो है, तो 4 मैंस को यहाँ पे जरूर फाइट्स में इंगेज करना चाहेंगे। एक यहाँ पे मौका जरूर है इस टीम्स के पास भी, जो कि जहरील जो कि 0 IQ की लाइनअप है। आई थिंक यहाँ पे एक चिकन डिनर निकाल लेती है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे लीडर्स बोर्ड्स में जो वो तब्दीली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे नेक्शन अगर यहाँ पे नेक्शन की बात करें, तो नेक्शन जो वो काफ़ी खूबसूरत के साथ 8 किल्स निकाले अपनी टीम्स के लिए। लेट्स यहाँ पे वजीद के ऊपर भी स्पॉट करा, लेट्स यहाँ पे लगातार ब्लाइंड स्प्रे इन कवर देने की कोशिश। लेट्स अगर वजीद को स्पॉट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और किल्स इस टीम्स को जो, अगर टीम्स की किल्स की बात करें, तो ये टीम्स जो है वो 16 किल्स करा है इस मैच में। जिस तरह से यहाँ पे टीम नंबर 16 जो कि माइस्ट्रीज की लाइनअप है, वो आके इस मैच में इतना किल्स निकाली है, जिस तरह से पूरी के पूरी डोमिनेट करा है इस वीकेंडी के मैप में, वो देखने लायक था। अगर यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 12 के रेड की, तो आई थिंक यहाँ पे रेड की लाइनअप तो काफ़ी खूबसूरती के साथ अपने पोजीशंस को डिपेंड कर रही है। 4 किल्स इस टीम्स के खाते में चले गए, #4 पे ऑलरेडी टीम्स आ चुकी है। लेट्स अगर यहाँ से अगर एक चिकन डिनर निकाल लेती ये टीम्स, तो लीडर बोर्ड में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखे जैसे कि हमें उम्मीद था कि नेड की लाइनअप यहाँ पे हमें दिखेगी, बट आई थिंक नेड की लाइनअप भी यहाँ पे आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो जो है लीडर बोर्ड को अभी तक तो फिलहाल जो है इरेंगल्स के मैप के बाद जो है वो लीड करते हुए दिखे थे। यहाँ पे हमें नेक्स्ट अलग अलग टीम्स जो है वो दिखेगी #top5 में, तो कहीं ना कहीं पूरे के मैच जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा नहीं दिखेगा, कोई भी टीम्स के तरफ जो है वो पूरे के पूरे मैच शिफ्ट करते हुए नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अभी कहना ये मुश्किल है कि कौन से टीम्स यहाँ पे चिकन निकालेगी, बट एक फेवर जो मैन एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं टीम 12 के पास है, एंड ड्रैगन अंडर की लाइनअप के पास इससे बेटर मौका नहीं हो सकता चिकन निकालने का। लेट्स क्या यहाँ पे चिकन निकाल सकते हो, क्योंकि वैनम ऑलरेडी एक एंगल्स पर बैठे हुए, 3 मैन 4v2 का सिचुएशन है, अभी भी 3 टीम्स है। आई थिंक 4v1v1 का सिचुएशंस बन चुका है। M10 की भी लाइनअप आई थिंक बची हुई है, सॉरी यहाँ पे क्रैश पीके जो वो खुद को हील अप कर रहे हैं, इन द जोन में जाने की कोशिश करेंगे, पीछे सपोर्ट कर रहा है, बट आई थिंक जोन का भी डैमेज मिलता हुआ। हर्स ने उन्हें यूजी से कनेक्ट करा, इन वहाँ पे फिनिश अप कर दिए थे। हालांकि अगर बात करें तो वहाँ पे जोन जरूर आया था, बट यहाँ पे 4v1 का सिचुएशन आ चुका है। इतना आसान नहीं होने वाला है नेक्शन के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने 8 किल्स निकाले अपनी टीम्स के लिए, तो लेट्स यहाँ पे अगर 1v4 हमें देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो जाए कि इस मैच के पावर 1 man army की तरह यहां पे फाइट्स कर रहा है पूरे मैच में। बट आई थिंक ये इंपॉसिबल ही लग रहा है फिलहाल, क्योंकि 4v1 का सिचुएशन है, एंड यहां पे ड्रैगन हंटर्स की लाइनअप नहीं चाहेगी कि कोई भी गलती करे। लेट्स ये नेक्शन की होगी कि यहां पे अगर एक और किल्स अपने टीम्स के लिए निकाल सके, तो कहीं ना कहीं बूस्टअप हो जाएगा। निकी को स्पॉट करा, लेट्स यहां पे निकी को फिनिश ऑफ करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट यहां पे जो निकी को फिनिश ऑफ करने के चक्कर में यहां पे अपनी जो लोकेशन है वो रिवील कर चुके थे। आई थिंक उनके पास काफी अप्रोप्रिएट मौका था कि वहां पे निकी को जो वो फिनिश ऑफ कर सके, बट आई थिंक यहां पे स्मोक का कवर के
रोटेशन के ट्रैप में वो फंस चुके थे, पूरी की पूरी लाइनअप जो ऑलरेडी जो है वो क्लोज इन कर चुकी थी। एंड आई थिंक फोर बी वन का सिचुएशन करना इतना आसान नहीं होने वाला इस तरह के पीएमएल महायुद्ध के मुकाबले में। लेट्स फाइनल मुकाबला है, कोई भी टीम्स इतनी आसानी से आपको जो वो वन वी फोर करने नहीं देने वाली। हालांकि एक उम्मीद होता है कि थोड़ी सी एक गलती कहीं ना कहीं पूरी टीम्स को वाइप आउट करने में जो वो मददगार हो जाती है अपोनेंट टीम के लिए। बट जिस तरह से विकेंडी का ये मैप चला, पूरे के पूरे रुथलेस मैप, जैसे कि हम सबको पता है रैंगल का मैप में काफ़ी जो टीम्स होती है वो अपने अपने लोकेशंस के लिए जो वो काफ़ी डिपेंसिव होती है, अपनी जो प्राइमरी लूट्स होती है अपने जो लोकेटेड उनके लोकेशंस होते हैं उधर ही जाती है। बट विकेंडी के मैप में हमें ठीक उल्टा लगता है कि कोई भी टीम्स कहीं पे भी अपनी ड्रॉप आउट ले चुकी होती है एंड वहीं से अपनी फाइट स्टार्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो ये दो मैप होता है विकेंडी और सेना का, ये पूरी के पूरे जो कहता है ना कि हर्टलेस होता है, कोई किसी भी टीम्स के ऊपर कोई भी दया नहीं करने वाला। वैसे भी ये जो महायुद्ध चल रहा है इसमें तो कोई भी टीम्स किसी से दोस्ती करने आती ही नहीं है। लेट्स तो अगर इरेंगल्स और मीरामर के मैप की बात करें कंपेरिजन टू दिस टू मैप्स, तो वहाँ पर आपको फाइट जो वो ना 7th, 8th, 9th जोन तक शिफ्ट करते हुए दिखेगा। बट जो विकेंडी और सेना का मैप होता है कहीं ना कहीं 5th and 6th में जाते जाते पूरा मैच ही खत्म हो जाता है। एंड एक बार चलते हम अपने प्लेसमेंट की तरफ ध्यान देते, कौन कौन से टीम से कितने कितने कल्स निकाला। लेट्स #1 पे, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ड्रैगन हंटर की लाइनअप है, रेड को यहाँ पे जरूर एक किल से मिला, बट यहाँ पे जिस तरह से हर्स ने अपनी टीम्स को लीड करा है 6 किल्स के साथ, तो काफ़ी तारीफ करना होगा। वहीं पे अगर बात करें #2 पे की जो लाइनअप थी माइस्ट्रेडी की लाइनअप है किल्स के मामले में, ये टीम्स काफ़ी किल्स निकाला। नेक्शन ने 8 किल्स निकाला, मेगा ने 2 किल्स निकाला, डिवाइन ने 4 किल्स और रिची ने भी 2 किल्स निकाले। बट #3 पे क्रैश की लाइनअप जो कि रैंगल के मैप में काफ़ी अर्ली एग्जिट लिया, अगर किल्स की बात करें तो 7 किल्स निकालने में एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि अगर बात करें पिछला मैच बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं था, काफ़ी अर्ली एग्जिट ये टीम्स ले चुके थे। वहीं पर अगर #4 पे बात करें तो जो टीम्स #4 में ऑक्टा ईगा की लाइनअप काफ़ी अच्छा फाइट्स करते हुए नजर आए, सॉरी #4 पे जो लाइनअप है वो 0 IQ की लाइनअप है। अगर किल की बात करें तो 3 किल से इस टीम्स के पास है। बट वहीं पर अगर टीम 5 की बात करें तो जहाँ पर नाइट की लाइनअप है, संतुष्ट होंगे अपने इस प्रदर्शन से क्योंकि ऑलरेडी इरेंगल का मैप में इन्होंने चिकन निकाला था। यहां पे #5 काफी अच्छा जो है वो इनका प्लेसमेंट्स पे इनके पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज होने वाले। किल्स आई थिंक कोई भी किल्स इस टीम्स के पास नहीं है। लेट्स अगर चलते हैं टीम #6 पे, जो कि आई थिंक ये जो लाइनअप है वो जीसी डब्बो की लाइनअप है। सॉरी टी सेम आई थिंक कौन सी टीम से ये लाइनअप खेल रही है, आई थिंक थोड़े से जो है वो कंफर्म नहीं है। लेट्स चलते हैं #7 पे, जहाँ पे M10 की लाइनअप है, जो कि Dipito, NT7, मैसी, अमीर, OPN राइटेन के साथ खेल रही थी। किल्स हालांकि अच्छा करा, 4 किल्स 2 6 किल्स ये टीम्स निकाली है। तो यहाँ पे ये टीम्स अपने किल्स के लिए तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, बट और अच्छा कर सकती थी। लेट्स चलते XTN की लाइनअप के तरफ। पिछले मैच में अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो #3 पे ये टीम्स फिनिश ऑफ कर रहा था, बट यहाँ पे गलती कर रहा ये टीम्स अली, इन्होंने 3 मेंबर्स को अपने खो चुके थे, तो उनकी जो खामियाज है इन्हें तो भुगतना पड़ेगी। लेट्स अगर #9 की बात करें, VS की लाइनअप इरेंगल के मैप में 1 प्लेयर के साथ जो वो ज्वाइन कर रहा था, #9 पे नो मर्सी जो वो लिजाने में अपनी टीम्स को कामयाब हुआ था। बट यहाँ पे ये टीम्स स्किल के मामले में तो काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आई, बट आई थिंक जो फिनिश अप चाहिए था इस टीम्स को वो नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 टीम्स के बीच फंस चुके थे इनके 2 मेंबर्स। एंड वहाँ पे यूसुफ ने जो 1v2 का सिचुएशन हैंडल किया, आई थिंक उनकी तारीफ तो करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 1 किल्स भी निकालने काफ़ी जो वो मुश्किल हो जाते हैं। बट नेक्शन की जितनी तारीफ करे वो कम है। यूजी का जिस तरह से उन्होंने स्प्रे कनेक्ट करा यूसुफ के ऊपर और पूरी के पूरे VS के लाइनअप को वहाँ पे एलिमिनेट करा, आखिरी मैन ही स्टैंडिंग थे, बट 2 किल ऑलरेडी स्टिल कर चुके थे, निकाल चुके थे। वहीं पर अगर टीम 10 की बात करें तो BFC की लाइनअप है जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे भी गेम प्ले हमें दिखाते हुए नज़र आई थी। हालांकि उम्मीद ज़रूर था कि अपने किल्स के जो अकाउंट्स हैं उनको उनके ऊपर ये टीम्स काम करते हुए दिखेगी, बट एज़ यूजुअल अपने जो पिछले परफॉर्मेंस हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जो वो फाइट्स करते हुए दिखे थे। वहीं पर 11 की बात करें, OYO की लाइनअप ने फिनिश ऑफ करा था, बट यहाँ पर ये लाइनअप जो अपने सपोर्टर्स को ज़रूर निराश करा है, क्योंकि जिस तरह से ये टीम्स अपने
एग्रेशंस और कल्स के लिए जानी जाती है वो कहीं ना कहीं पूरे पीएमएल महायुद्ध में हमें देखने को नहीं मिला। पूरी टीम्स यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को लेके यहाँ पे फंसते हुए जरूर दिखी है। वहीं पे अगर #12s की बात करें तो यहाँ पे बुमबैंग जिंग और फैट गोल्डी की लाइनअप काफ़ी अच्छा गेम प्ले हमें दिखाई है। ये ऑक्टा इका की लाइनअप है। किल्स के तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा किल्स तो ये टीम्स नहीं निकाली है, बट पिछले जितने भी मुकाबले हैं उनसे अच्छा करते हुए नजर आए। फैनेटिक की बात करें तो उन्होंने सबसे पहला किल्स निकाला था अपनी टीम्स के लिए, दो किल्स निकाले और फैनेटिक वहाँ पर फंस भी चुके थे। लेट्स चलते हैं टीम नंबर 13s के तरफ। यूजान की लाइनअप अपनी इस परफॉर्मेंस सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमेशा ये टीम्स जो वो #5 में फिनिश ऑफ करते हुए दिखी थी, बट आई थिंक यहाँ पे आज के दिन ये टीम्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। लेट्स होप दो और मैचेस बचे इनमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो लेट्स कुछ ही देर में हम वापस से आपके साथ कनेक्ट होते हैं इन द मैप ऑफ मीरामर। तब तक के लिए आप अपने टीम्स को जो वो रिवाइव कीजिए, कहते हैं ना, उन्हें बूस्टअप कीजिए एंड रिचार्ज कीजिए। आई होप अभी भी दो मैच बचा हुआ है, काफ़ी कुछ देखने को भी मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से अभी दो मैच चले हैं तो हर एक मैच में हमें न्यू टीम्स जो है वो आके दिखी है। दोनों जो मैच की बात करें तो हालांकि नेड तो अपने जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाई होंगे, बट एक्सटीएन को यहाँ पे सोचना होगा क्योंकि उन्हें एक बैटर परफॉर्म करना होगा। M10 थोड़े से यहाँ पे जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करे हैं बट उनको और अच्छा परफॉर्म करना होगा। लेट्स अगर बात करें तो यहाँ पे निकी की तो लाइनअप यहाँ पे खुद को कामयाबी दिलाई है, बट ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और आने वाले दो मैचेस हैं उनमें भी इसी तरह का परफॉर्मेंस करना होगा। एंड सिर्फ अगर बात करें तो यहाँ पे हर्ट से काम बनने वाला नहीं है, बाकी के टीममेट्स को भी किल्स के अकाउंट्स को देखने होंगे। वहीं पर अगर बात करें BR की तो टीम माइस्ट्री की लाइनअप पिछले इरेंगल के मैप से यहाँ पर बेटर परफॉर्म करी। अभी भी दो मैच आने वाले, इनसे भी उम्मीद होगी कि आगे की फाइट्स जो है वो अच्छा करते हुए दिखे। क्रैश की लाइनअप काफ़ी अच्छा कम बैक। लेट्स अभी भी इनके लिए भी दो मैच बचे हैं तो देखना होगा क्रैश की लाइनअप कहीं इस कम बैक से जो वो पीछे नहीं जाती है, क्योंकि अभी अगर आपको हमारे टॉप 10 में आना है तो कहीं ना कहीं अभी बाकी के दो मैचेस में भी इतने ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखने होंगे। बट वहीं पर अगर बात करें तो अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ इस मैच में। चीरो IQ की लाइनअप वापस से एक बार फिर से आएगी मीरामर के मैप में, फाइट्स करेगी एंड वहाँ पे भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेट्स नेड के लाइनअप को अभी अपनी कंसिस्टेंसी और बरकरार रखनी होगी क्योंकि एक मैप अगर आपका खराब जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी लीडर बोर्ड जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो लेट्स सी, देखते आने वाले मुकाबले में मीरामर का बादशाह कौन होता है। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड विद क्यूट बाय YT। IM साइनिंग ऑफ।